दोस्तों फेसबुक को पूरी दुनिया में अरबों लोग यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद से फेसबुक अकाउंट का क्या होता है? खुदा ना करे कल को अगर हम मर जाते हैं तो फेसबुक हमारे अकाउंट के साथ क्या करेगा? हमारे जितने भी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, यानी कि जो भी पोस्ट हैं, उनका फेसबुक क्या करेगा? तो दोस्तों जैसे इंसान अपने जीते जी अपना वसीयत लिखता है, अपना एक वारिस चुनता है ताकि उसके मरने के बाद से उसका जितना भी प्रॉपर्टी है उसके वारिस का हो जाए, सेम टू सेम ऐसे ही आप भी अपने जीते जी अपने फेसबुक अकाउंट का वसीयत लिख सकते हैं, अपना एक वारिस चुन सकते हैं ताकि आपके मरने के बाद से वो आपका वारिस आपके फेसबुक अकाउंट को मैनेज कर सके। और इसके लिए आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड को चुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई जोक नहीं है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लीगेसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि अपने फेसबुक अकाउंट का वसीयत कैसे लिखते हैं, अपना वारिस कैसे चुनते हैं, आप अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अपने फेसबुक अकाउंट का वसीयत कैसे लिखते हैं, अपना वारिस कैसे चुनते हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखें। तो आप चलिए दोस्तों पहले जानते हैं कि अगर ये काम आप अपने कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा अगर ये काम आप अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर के अंदर अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। फेसबुक लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए राइट टॉप में ये डाउन एरो के तरह जो रेडियो बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा सेटिंग्स का। आपको दोस्तों यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना है और ये सेटिंग्स का पेज ओपन हो जाएगा। सेटिंग्स के इस पेज पे दोस्तों जनरल टैब के अंदर ही सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा मेमोरियलाइजेशन सेटिंग। मेमोरियलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों यादगार बनाना। इसके आगे लिखा है डिसाइड व्हाट हैपेंस टू योर अकाउंट आफ्टर यू पास अवे। अगर आपका डेथ हो जाता है उसके बाद से आपके अकाउंट का क्या होगा। और इसी के सामने देखिए एडिट का बटन दिया है, आपको दोस्तों यहाँ एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेमोरियलाइजेशन सेटिंग के आगे लिखा है योर लीगेसी कॉन्टेक्ट, यानी कि जिसे आप अपना वारिस चुनेंगे और जिसको आप अपना वसीयत लिखेंगे उसके बारे में ये बोल रहा है। जिसको भी आप अपना वारिस चुनेंगे वो आपके अकाउंट में क्या क्या कर सकता है वो सारा डिटेल देखिए यहाँ पे लिखा है। चूज समवन टू लुक आफ्टर योर अकाउंट आफ्टर यू पास अवे, दे विल बी एबल टू। आप किसी को चुनना है, किसी को वारिस बनाना है जो आपके अकाउंट का लुक आफ्टर करे, वो क्या क्या कर सकता है। मैनेज ट्रिब्यूट पोस्ट ऑन प्रोफाइल, आपके मरने के बाद से जो भी ट्रिब्यूट पोस्ट आएगा उसको वो मैनेज करेगा। विच इंक्लूड्स डिसाइडिंग हु कैन पोस्ट एंड हु कैन सी पोस्ट, कौन देख सकता है, कौन क्या पोस्ट कर सकता है, डिलीट करना, उसको टैग्स को रिमूव करना। रिक्वेस्ट द रिमूवल ऑफ योर अकाउंट, वो बंदा रिक्वेस्ट कर सकता है फेसबुक को कि आपके अकाउंट को रिमूव कर दिया जाए अगर वो चाहे तो। रेस्पॉन्ड न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, अगर कोई आता है उसको रेस्पॉन्ड कर सकता है। अपडेट योर प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर को वो यहाँ पे अपडेट कर सकता है। आगे भी और भी बहुत कुछ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। योर लीगेसी कॉन्टेक्ट कैन ओनली मैनेज पोस्ट मेड आफ्टर यू हैव पास्ड अवे, जब आप मर जाएंगे आपका डेथ हो जाएगा तभी वो बंदा जिसको आपने वारिस चुना है तभी वो ये सारा काम इसमें कर सकता है, आपके जीते जी वो कुछ नहीं कर सकता है। They won't be able to post as you or see your messages, जब तक आप अपने अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं तब तक वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों वारिस चुनने के लिए और वसीयत लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे चूज अ फ्रेंड ये बॉक्स दिया है, आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। आप जिसे भी वारिस चुनना चाहते हैं उसके नाम का, जिस नाम से उसका अकाउंट है उसका यहाँ पे उसके नाम का पहला यहाँ पे एक दो वर्ड लिखना है, यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा। यहाँ से आपको उस फ्रेंड को या फिर फैमिली मेंबर को आपको चुन लेना है। चुनने के बाद से अब आपको यहाँ पे देखिए ऐड का जो बटन है इनेबल हो गया, आपको यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है आपका वसीयत, ठीक है। अगर आप चाहें इसमें कुछ भी एडिट करना तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं और इसमें आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं और ये मैसेज, ये आपका वसीयत जाएगा उस बंदे के पास। मैंने इस बंदे को चुना है इंतखाब आलम, ये मेरा दूसरा फेसबुक अकाउंट है, मैंने खुद को ही चुना है। तो आप किसी भी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को चुन सकते हैं। ये मैसेज जाएगा उस बंदे के पास ताकि उस बंदे को ये पता हो जाए कि हाँ आपने अपना वसीयत
उसके नाम से लिखा है और अपना वारिस उसको चिना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे, ये वसीयत आपका चला जाएगा उस फ्रेंड के पास जिसको आपने अपना वारिस चुना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए एक और चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है, इफ यू डोंट वॉन्ट टू हैव फेसबुक अकाउंट आफ्टर यू हैव पास्ड अवे, यू कैन रिक्वेस्ट टू हैव योर अकाउंट परमानेंटली डिलीट इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ लीगेसी कॉन्टेक्ट। लीगेसी कॉन्टेक्ट यानी कि अपना वारिस चुनने से अगर आप चाहते हैं कि आपके मर जाने के बाद से फेसबुक आपके अकाउंट को परमानेंट डिलीट कर दे, आप यहाँ पे लीगेसी कॉन्टेक्ट नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, अपना वारिस यहाँ पे नहीं चुनना चाहते हैं, किसी को अपना वसीयत नहीं लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आपका डेथ हो जाए तो आपका फेसबुक अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाए, तो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, रिक्वेस्ट दैट योर अकाउंट बी डिलीटेड आफ्टर यू पास अवे। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ये पेज ओपन हो गया। डिलीट योर अकाउंट इन द फ्यूचर, दिस विल रिमूव योर लीगेसी कॉन्टेक्ट। अगर आपने कोई लीगेसी कॉन्टेक्ट सिलेक्ट किया है उसको भी ये रिमूव कर देगा अगर यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो। प्लीज कंफर्म दैट यू वांट योर अकाउंट टू बी डिलीटेड आफ्टर योर डेथ, आपके मर जाने के बाद। वंस समवन लेट्स अस नो दैट यू हैव पास्ड अवे, ऑल ऑफ योर इन्फो फोटो एंड photos post will be permanently removed from Facebook and no one will be able to see your profile again. सब कुछ डिलीट कर दिया जाएगा, कुछ भी देखने के लिए उसमें नहीं बचेगा। अब आपको यहाँ पे सिंपल डिलीट आफ्टर डेथ पे क्लिक कर देना है और जैसे ही Facebook को कोई भी इन्फॉर्म करेगा कि आपका डेथ हो गया है, Facebook पहले उसको वेरीफाई करेगा, कंफर्म करने के बाद आपके अकाउंट को वो परमानेंट यहाँ पे रिमूव कर देगा। और दोस्तों, जिसे भी आप अपना वारिस चुनेंगे, जिसे भी आप अपना वसीयत लिखेंगे, वो बंदा आपके अकाउंट में दो काम नहीं कर सकता है। वो आपके अकाउंट को ना ही लॉगिन कर सकता है, ना ही वो आपके पर्सनल मैसेज को पढ़ सकता है। इसके अलावा जो कुछ भी दिया है वो सारा काम कर सकता है और ये सारा काम वो बंदा अपने अकाउंट से ही करेगा, ना कि आपका अकाउंट लॉगिन करके। अगर ये काम दोस्तों आप अपने मोबाइल से करना चाहते हैं, फिर आपको यहाँ पे अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ राइट टॉप में देखिए तीन माइनस का निशान दिया है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे नीचे चले जाना है, सेकेंड लास्ट ऑप्शन दिया है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा सेटिंग्स का, आपको यहाँ पे दोस्तों सेटिंग्स पे क्लिक करना है और सेटिंग्स का ये पेज ओपन हो जाएगा। सेटिंग्स के इस पेज पे पहला ऑप्शन है अकाउंट सेटिंग्स। अकाउंट सेटिंग्स के अंदर पहला ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज अकाउंट, आपको यहाँ पे दोस्तों मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अभी आप देखिए मैनेज अकाउंट के अंदर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा लीगेसी कॉन्टेक्ट, आपको इस पे क्लिक करना है और ये लीगेसी कॉन्टेक्ट का पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप जितना कुछ भी दिया है वो आप पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम जो मैंने आपको कंप्यूटर में बताया था। अब अगर आपको यहाँ पे अपना वसीयत लिखना है, अपना वारिस चुनना है, यानी कि लीगेसी कॉन्टेक्ट को आपको अगर चुनना है, तो आप यहाँ पे देखिए चूज लीगेसी कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके डेथ के बाद आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाए, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है डिलीट आफ्टर डेथ। तो चलिए जानते हैं लीगेसी कॉन्टेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे चूज लीगेसी कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आप वो सब चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ये बॉक्स ओपन हो गया, इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे अपने किसी भी फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर के नाम को टाइप करना है और वो नाम आ जाएगा, आपको यहाँ से उसको सिलेक्ट करना है और वो लीगेसी कॉन्टेक्ट आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और सिंपल आप यहाँ पे ये आपका वसीयत है, आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सेंड पे क्लिक कर देना है और वो आपका वसीयत उस बंदे के पास चला जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे कंप्यूटर में देख सकते हैं, ये वसीयत यहाँ पे इस अकाउंट पे आ चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद से आप भी बहुत ही आसानी से अपने फेसबुक अकाउंट का वसीयत लिख पाएंगे, अपना वारिस चुन पाएंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो दोस्तों आप फेसबुक पे देख रहे हैं, आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।